Hi friends, this is Aasim from Campus Law Center, Faculty of Law, University of Delhi. Today I would like to discuss the landmark case of administrative law which is mentioned in our case matter. Case ka naam hai GN Nayak versus Goa University. Ye 2002 ka case hai. Ye jo case hai wo rule against bias pe based hai. To ab is case ke fact issue judgment pe aate hain. Is case ke fact ye hai ki is case mein do candidate professor of marine science ke appointment ke liye interview dene jate hain. To jo appellant candidate hota hai uska selection ho jata hai lekin respondent candidate ka selection nahi ho pata hai. इसलिए रिस्पोंडेंट कैंडिडेट एपिलेंट कैंडिडेट के सिलेक्शन प्रोसेस को बहुत सारे ग्राउंड पे चैलेंज करता है जिसमें से एक ग्राउंड बायसनेस भी होता है. रिस्पोंडेंट कैंडिडेट का ये कंटेंशन होता है कि सिलेक्शन इंटरव्यू से पहले मरीन साइंस के जो एचओडी थे उन्होंने पोस्ट लेटर के माध्यम से वाइस चांसलर को एपिलेंट कैंडिडेट की खूबियां बताई और उन्होंने ये कहा कि इंटरव्यू के समय में इन सब बातों का ध्यान रखिएगा. रिस्पोंडेंट कैंडिडेट का यह फर्दर कंटेंशन होता है कि सिलेक्शन प्रोसेस के समय में मरीन साइंस के एचओडी भी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर थे जिन्होंने पहले ही एपिलेंट कैंडिडेट की सराहना की थी, इसलिए उसके साथ बायसनेस हुआ है. तो इस केस का इशू यह है कि क्या प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट कैंडिडेट के साथ कोई बायसनेस हुआ भी है या नहीं. तो अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन और डिसीजन पर. सुप्रीम कोर्ट कहती है बायसनेस के लिए सेल्फ इंटरेस्ट का होना जरूरी है, चाहे वो पिक्यूनरी हो या फिर पर्सनल हो. और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहता है नो मैन शुड बी ए जज इन हिज ऑन केस. सुप्रीम कोर्ट आगे ये कहती है कि प्रेजेंट केस में अगर मेन साइंस के एचओडी ने एपिलेंट कैंडिडेट के परफॉर्मेंस को प्रेज किया है तो ये कोई वैलिड ग्राउंड नहीं है बायसनेस का. चूंकि प्रेजेंट केस में मेन साइंस के एचओडी का कोई पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है इसलिए यहाँ पे बायसनेस नहीं हुआ है और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन भी नहीं हुआ है. तो इस केस के फैक्ट इशू अजमी यही है. आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.